हेलो गाइस, दिस इज निशी एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लासेस। ये हमारी पीएचपी कोर्सेज से रिलेटेड 10th वीडियो है। तो पिछले के वीडियो में हमने देखा था कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं और इसके प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं। तो आज हम देखेंगे लूप के बारे में। लूप क्या होती है और कितने तरह की होती है। तो लूप क्या होती है, तो मान लीजिए आपको कोई स्टेटमेंट है, एक मिनट मैं इसे हटा देती हूँ। मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है इको निक्स क्लासेस है। निक्स क्या है, इको निक्स क्लासेस। इसे हमें क्या करता है, रन करना है, फिर 5 times रन करना। तो क्या करना होगा, हमें 5 times इको निक्स क्लासेस को लिखना होगा। क्या करना होगा, इको निक्स क्लासेस को लिखना होगा। तो 5 times अगर आपको रन करना होगा तो आप लिख लोगे, बट अगर आप चाहते हो 50 times रन करना तो 50 times लिखने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगी और बहुत लेंदी भी प्रोग्राम हो जाएगी। तो इसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं। तो लूप क्या करता है कि हमारे प्रोग्राम को रिपीटेट करता है, मीन्स क्या करता है, इटरेट करता है। जितना टाइम्स आप चाहते हो स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना या रन करवाना, उतना टाइम क्या करता है, वो रन करता है। तो लूप कितने तरह के होते हैं, तो एक मिनट, क्या है हमारी लूप, लूप कितने तरह के होते हैं। लूप हमारी 4 तरह की होती है। सबसे पहला है हमारा क्या, व्हाइल लूप, व्हाइल लूप। एंड सेकेंड नंबर में हमारा क्या है, डू व्हाइल लूप। क्या देखेंगे हम, डू व्हाइल लूप। थर्ड नंबर में हमारा है फॉर लूप, फॉर लूप। एंड फिफ्थ में क्या है, फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप। क्या है, फर्स्ट क्या है व्हाइल लूप, सेकेंड डू व्हाइल लूप, थर्ड है फॉर लूप, एंड फोर्थ है हमारा फॉर ईच लूप। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप की सिंटैक्स क्या होती है, देखिए। तो सबसे पहले व्हाइल लूप में क्या होता है, कोई किसी भी लूप में सबसे पहला क्या होता है, हमारा इनिशियलाइजेशन होता है। क्या होता है, सबसे पहला हमारा इनिशियलाइजेशन होता है किसी भी लूप में, इनिशियलाइजेशन। एंड सेकेंड नंबर में क्या होता है, हमारा स्टेटमेंट होता है, सॉरी सेकेंड नंबर में कंडीशन होता है। और कंडीशन ट्रू होता है तो वो क्या करता है, स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। और थर्ड में हमारा क्या होता है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होता है। थर्ड में हमारा क्या होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन मींस क्या हो गया कि जहां से इनिशियलाइजेशन मींस क्या हो गया, जहां से हमारा लूप स्टार्ट करना है, मींस जहां से हमें लूप को स्टार्ट करना होता है। और लूप को स्टार्ट करने के लिए हम वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू असाइन करते हैं, जहां से क्या करते हैं, हमें लूप को चलाना होता है। तो वो क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मींस क्या होता है कि वेरिएबल में हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, जहां से हमें क्या करना होता है, लूप स्टार्ट करना होता है, वो वैल्यू को हम डालते हैं। तो वो हमारा क्या हो जाता है, इनिशियलाइजेशन हो जाता है। इनिशियलाइजेशन होने के बाद वो क्या करता है, हमारा कंडीशन को क्या करता है, चेक करता है। अब कंडीशन, अगर कंडीशन तो दो ही आंसर देता है, या तो वो ट्रू देगा या तो वो फॉल्स देगा। अगर वो ट्रू देगा तो हमारा जो कंपाइलर है वो क्या होगा, लूप के अंदर जाएगा। और अगर कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ लूप हो जाएगा, मीन्स लूप के बाहर चले जाएगा और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। और थर्ड नंबर में हमारा क्या है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो फर्स्ट बार हमारा इनिशियलाइजेशन हुआ, कंडीशन चेक करेगा, स्टेटमेंट रन होगा, बट उसके बाद सेकेंड टाइम फिर से चलने के लिए हमें लूप को इंक्रीमेंट करना पड़ता है, मीन्स इस वैल्यू को हमें इंक्रीमेंट करना होगा, तभी वो फिर से लूप चलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे होगा, मींस इसकी एग्जांपल, मींस कैसे इनिशियलाइजेशन होगा, कैसे कंडीशन लगाओगे, कैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। तो परेशान होने की बात नहीं है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले क्या, सिंटैक्स, सिंटैक्स। अब सिंटैक्स में क्या हो जाता है हमारा, जैसे व्हाइल, व्हाइल के अंदर क्या लगाते हैं, कंडीशन, कंडीशन। एंड देन यहाँ हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट होती है, एंड देन इसे क्लोज। इस तरीके से हम क्या करते हैं, और यहीं पे हमारा क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी होता है। जो भी आप करना चाहते हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो यहाँ यूज कर सकते हो। तो ये हमारा क्या है, सिंटैक्स है। किसकी सिंटैक्स है, ये व्हाइल लूप की सिंटैक्स है। अब एक प्रैक्टिकली देखते हैं एग्जाम्पल, तो इसे मैं हटा देती हूँ। क्या देखते हैं, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल। मान लीजिए मैं डॉलर, सॉरी मैं यहाँ क्या करती हूँ, डॉलर ए इज इक्वल टू क्या ले लेती हूँ, 1 ले लेती हूँ। अब यहाँ क्या करूँगी, ये हमारी क्या हो गई, इनिशियलाइजेशन हो गई। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, कंडीशन, व्हाइल
कंडीशन, यहाँ मेरे को 1 से लेकर के 10 तक का प्रिंट करना है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, डॉलर ए इज लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 10। एंड फिर मैं यहाँ क्या स्टेटमेंट को रन करूंगी, इको इको यहाँ मैं क्या रन करती हूँ, निक्स क्लासेस, क्या की हूँ मैं यहाँ निक्स क्लासेस, और इसे क्या करूंगी डॉलर ए प्लस प्लस, बाद में ये मैं कहूँ डॉलर ए प्लस 1, इसे रन कर देती हूँ। एंड अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, इसे क्लोज कर देती हूँ और कंट्रोल एस, अब इसे रन करती हूँ। यहाँ क्या हो गई कि डॉलर ए इज इक्वल टू, ए में क्या मैं असाइन की वेरिएबल, तो मैं वैल्यू क्या असाइन की, ए। तो ये हमारी क्या हो गई, इनिशियलाइजेशन, ये क्या हो गई इनिशियलाइजेशन, और ये हमारी क्या हो गई कंडीशन, क्या हो गई अब कंडीशन। तो कंडीशन में यहाँ क्या लगाई हूँ कि ए का वैल्यू जो होता होना चाहिए हमेशा 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए 10 से छोटा होना चाहिए। और मैं स्टार्ट कहाँ से की हूँ लूप को, 1, तो 1 से लेकर के कितना टाइम तक लूप चलेगा, 10 तक, मीन्स 10 टाइम चलेगा। तो जैसे ही कंडीशन फुलफिल होगा तो ये वाला स्टेटमेंट को हमारा क्या होगा, रन करेगा, इस स्टेटमेंट को रन करेगा। और यहां मैं क्या यूज की हूँ, इंक्रीमेंट यूज की हूँ, इंक्रीमेंट। तो अब मैं इसे रन करती हूँ, रन करती हूँ, इसे रिफ्रेश करती हूँ, देखिए यहाँ निक्स क्लासेस 10 टाइम प्रिंट हो गई, बट ये अच्छी नहीं दिख रही हुई। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, HTML की टैग यूज करेंगे, BR, इसे रिफ्रेश करो, ये देखो निक्स क्लासेस हमारी 10 टाइम्स प्रिंट कर चुकी है। तो अब यहाँ क्या और भी यहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, यहाँ पे क्या करो, इसे और छोटा बनाना चाहते हो कोड को, तो डॉलर ए प्लस प्लस यहाँ कर दो। ये क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। मैं ऑलरेडी ऑपरेटर वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं और इसे कैसे यूज किए जाते हैं। तो अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, एक काम करती हूँ, डॉलर ए इको 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 में क्या यूज करती हूँ, HTML के कोड यूज करना चाहती हूँ मैं, इको UL यूज करती हूँ, ये रहा, हाँ इको क्या की UL यूज कर दी। एंड अब वाइल कंडीशन लगा दी, और कंडीशन लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक मिनट, LI लगा देती हूँ, सॉरी टैग के साथ हम मैं LI लगा देती हूँ। एंड देन LI लगाने के बाद मैं यहाँ डॉट डॉलर ए ले लेती हूँ, एंड फिर से डॉट, एंड ये रहा नेक्स्ट क्लासेस। यहाँ क्या हो गया, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैं क्या स्टोर कर रही हूँ, LI लिस्ट बना रही हूँ, और ये BR टैग हो गई। और यहाँ मैं क्या करूँगी, BR टैग को अब हटा देती हूँ क्योंकि मैं LI यूज की हूँ, और LI को क्लोज कर देती हूँ। देन अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, इसे रहने देती हूँ, और यहाँ पे UL को क्या करती हूँ, क्लोज कर देती हूँ इको के अंदर, सॉरी इको UL को क्लोज कर देती हूँ। देखिए यहाँ हमारी UL मीन्स अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हो गई है, और ये अनऑर्डर लिस्ट क्लोज हो गई। और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर इको में क्या प्रिंट कर रही हूँ, लिस्ट में, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट में क्या प्रिंट कर रही हूँ, निक्स क्लासेस, और साथ में हमारा क्या है वेरिएबल भी, तो वेरिएबल की वैल्यू क्या है, ए की 1, तो ये क्या प्रिंट कर रही है, 1। एक मिनट, कंट्रोल एस, अब इसे रिफ्रेश करती हूँ, ऑनलाइन 4, ओके हाँ अब ये ठीक है, देखिए ये कितनी अच्छी दिख रही है, ये बहुत ही काफी अच्छी दिख रही है ये हमारी। तो इस तरीके से आप चाहते हो तो आप बना सकते हो अनऑर्डर लिस्ट में, आप चाहते हो तो ऑर्डर लिस्ट में ही बना सकते हो, बट ऑर्डर लिस्ट में आपको बनाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ ऑलरेडी ए की वैल्यू 1 2 3 4 आ रही है। देखिए ये कैसे रन, कैसे प्रोग्राम वर्क कर रही है, ध्यान से सुनिएगा। तो पहले क्या है, ए की वैल्यू हमारी क्या हुई, 1, तो इको तो अब ये तो अपना प्रिंट कर दिए, UL मीन्स ये क्या हमारी HTML की पेज है। तो व्हाइल लूप पे आइए, तो ए की वैल्यू क्या है, 1, 1 इज क्या है लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हमारा क्या है ट्रू हुआ, ट्रू होगा तो क्या प्रिंट करेगा इको, इको में क्या है ए की वैल्यू भी प्रिंट होगी। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 है, अभी तो ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 साथ में निक्स क्लासेस, ये फर्स्ट टाइम 1 और निक्स क्लासेस प्रिंट कर दिया। देन ए की वैल्यू अब क्या इंक्रीमेंट हो गई, तो ए की वैल्यू क्या हो चुकी है हमारे पास 2, तो यहाँ चला गया है कंपाइलर और ए की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई है। ए की वैल्यू जब 2 हो गई तो यहाँ क्या है 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है, ट्रू हो रहा है, फिर से ये प्रिंट करेगा नेक्स्ट क्लासेस को। एंड यहाँ फिर से वो क्या करेगा, ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, ए की वैल्यू क्या हो गई 3, तो ए की वैल्यू अब क्या हमारी यहाँ पे हो चुकी है 3, 3
थ्री हो जाएगी, तो थ्री इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फुलफिल किया और नेक्स्ट क्लासेस को प्रिंट किया, ए की वैल्यू अब क्या हो गई यहाँ 3, तो 3 नंबर पे 3 प्रिंट किया। इस तरीके से हम 9 तक जाते हैं और 9 की वैल्यू को जब इंक्रीमेंट करते हैं तो यहाँ क्या हो गई 10, ए की वैल्यू अब हमारे पास 10 हो चुकी है, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हमारी फुलफिल कर रही है, ट्रू हो रही है, तो यहाँ क्या प्रिंट होगी 10 एंड नेक्स्ट क्लासेस प्रिंट होगी। देन अब मैं ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करती हूँ तो क्या हो गई 11, ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 11, और व्हाइल कंडीशन क्या हो गई 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन यहाँ हमारी क्या हो रही है ट्रू हो रही है या फॉल्स, तो यहाँ हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि 11 क्या 11 आपका 10 से लेस देन इक्वल टू है तो नहीं है, तो यहाँ हमारा कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, कंपाइलर क्या हो गया लूप के क्या हो जाएगा आपका बाहर आ जाएगा, लूप के अंदर नहीं जाएगा, आउट ऑफ लूप हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से व्हाइल लूप वर्क करती है, मीन्स इस तरीके से व्हाइल लूप हमारी चलती है। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि व्हाइल लूप क्या होती है और इसके प्रोग्राम किस तरीके से बनाए जाते हैं, मीन्स किस तरीके से ये पीएचपी में कोड लिखे जाते हैं। तो ये थी हमारी क्या लूप क्या होती है और व्हाइल लूप क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डू व्हाइल लूप के बारे में। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई हो, तो प्लीज बने रहिए हमारे वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइज। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।